वीडियो शुरू हम लोग कर रहे हैं एक शिकायत के साथ। शिकायत मुझे है चिराग गोठी जी से। जब खुद आप हमेशा पंक्चुअल रहते हैं, जब आप सारे टीम को हेड करते थे रिपोर्टर्स की क्राइम दिल्ली की, तो आप सब रिपोर्टर्स से क्लास लगाते थे कि भाई तुम लेट क्यों आ गए, स्टोरी लेट क्यों गई, और आप आज खुद एक घंटा लेट आए हो। गौरव, बहुत बड़ा रीजन है। मैं जब मयूर विहार क्रॉस कर रहा था तो मैंने देखा एक बैरिकेड लगा हुआ था दिल्ली पुलिस का, और बैरिकेड के पीछे करीब 1 किलोमीटर लंबा जैम। दर्शकों, आपके साथ भी ये जरूर होता होगा कि आप गाड़ी लेकर जा रहे हो तो बैरिकेड्स में आप फंस गए, पीछे 1-1 किलोमीटर लंबा जैम और आगे बिल्कुल खाली होता। तो मुझे लगा ये क्या सिस्टम हुआ। जब बैरिकेड पर चेकिंग भी नहीं हो रही होती कई बार, मतलब कुछ तो हो रहा होगा, एक्शन तो चेकिंग नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, बैरिकेड लगा रखा है, खड़े हैं पुलिसकर्मी खड़े हैं, लेकिन चेकिंग नहीं है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहेंगे, क्या वाकई बैरिकेड ये जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, सिक्योरिटी से होती है, या फिर ये एक तरह से परेशानी का सबब भी। बैरिकेड लगाए क्यों जाते हैं, बेसिक ये है, क्यों रीजन आप अपने अनुभव से बताना चाहेंगे। बैरिकेड्स, जो मुझे जितनी जानकारी है, एक कोई क्रिमिनल का स्पेसिफिक इनपुट होता है कि यहाँ से वो निकल सकता है तो बैरिकेड लगा दिए जाते हैं, या फिर कई डार्क स्पॉट्स होते हैं जहाँ पर बहुत क्राइम होता है, बाइकर्स जो है चेन स्नैचिंग करके भाग रहे हैं तो बैरिकेड लगा दिए गए कि भाई अब वहाँ काफी एक्टिवनेस रहेगी। लेकिन कई बार हम देखते हैं, गौरव, ये हमने बहुत बार देखा है कि हम बिना बात की बैरिकेड लगे होते हैं, हमें लगता है हम तो 40 दिन से इस रोड से रोज गुजर रहे हैं और रोज बैरिकेड है, तो क्या 40 दिन तक आप। इनफैक्ट आपको बताऊं, कई बार मैंने ऐसा देखा है जिसे हम कहते हैं वाई पॉइंट, लेम लैंग्वेज में, आप एक पीछे से ऐसे सड़क आ रही है और एक जॉइंट ऐसे हो रहा है सड़क जहां पे मर्जिंग हो रहा है रोड का, वहां पे तो वैसे ही ट्रैफिक रहता है और वहां पे बैरिकेड लगा देते हैं। मतलब कोई अगर इनपुट भी है तो आप थोड़ा आगे भी लगा सकते हो, पीछे लगा सकते हो, जैसे मर्जर अगर हो रहा है यहाँ भी लगा सकते हो, वहाँ भी लगा सकते हो, लेकिन ऐसे पॉइंट पे भी लगा दे। लेकिन पुलिस का जो इस पे लॉजिक होता है, कहता है कि अब हम बैरिकेड भी नहीं लगाए, अब मान लीजिए बैरिकेड हम नहीं लगाएंगे तो फिर क्रिमिनल कैसे पकड़े जाएंगे, डार्क स्पॉट, ये बात बिल्कुल सही। लेकिन एक चीज और भी, अभी आपको दर्शकों मैं बताना चाहूंगा, हाल ही में दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने भी साफ कर दिया है कि बैरिकेड्स अननेसेसरी ना लगाए दिल्ली पुलिस, यानी कि उनको भी लगता है कहीं ना कहीं ये परेशानी का सबब है, क्योंकि इससे ट्रैफिक जो है वो ऑब्वियसली इफेक्ट होता है। कई बार एम्बुलेंस फंस जाती है, मैंने खुद देखा कई बार कि एम्बुलेंसेस फंस गई है, क्यों, क्योंकि बैरिकेड लगा है। हालांकि कई बार पुलिस एक्टिव हो जाती है, वहां अगर पुलिस हो तो वो खोल भी देती है, लेकिन ज्यादातर हमने देखा है कि इस तरह की केसेस बहुत ज्यादा सामने आए। तो ये एक तरह से कहा जाए कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन अब सवाल ये है कि पुलिस के पास टेक्नोलॉजी को व्यवहार हमेशा कि हम तो सिक्योरिटी कर रहे हैं, भाई हमें तो जरूरत है इस चीज की, आप ये हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कब तक लगना है कब तक नहीं लगना है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? भाई ये तो ऐसा सवाल है इसका कोई शायद जवाब ही नहीं हुआ है, और पुलिस भी ऐसा तो नहीं है कि वो फालतू में बैरिकेड लगा रही है, उनके पास कुछ तो इनपुट होगा, कुछ तो प्लान होगा, और इनफैक्ट जब कोई बड़े कुछ ओकेजन होते हैं या कोई बड़ा मेला होता है, फेस्टिव सीजन होता है, त्योहार का रश होता है बाजारों में, या दिल्ली में रामलीला होती है, गुजरात में डांडिया होता है, दुर्गा पूजा होती है, ऐसी जगह पे बैरिकेड लगाए जाते हैं, वो सिक्योरिटी पर्पस से ही लगाए जाते होंगे। लेकिन बस सिर्फ सवाल ये है कि बैरिकेड बहुत लंबे लगाए हुए हैं आपने, पूरा सड़क जाम हो गया 2-2 किलोमीटर, चेकिंग नहीं हो रही, लेकिन हम तो उस समय लोग क्या करें, हमने क्या लोग ऐसा कह सकते हैं एज अ लेमैन, क्या मैं किसी को फोन पर सूचना दे सकता हूँ कि भाई यहाँ पे इतना ट्रैफिक हो रखा है कि आप बैरिकेड जो आपने लगाया हुआ 2-2 किलोमीटर लंबा बैरिकेड है, इनफैक्ट कई बार 3 किलोमीटर लंबा, कई बार कॉल होती है इस तरह की, कई बार दर्शकों इस तरह की कॉल्स होती है, लोग परेशान होते हैं कि बैरिकेड लगाए, तो फिर पुलिस का जवाब क्या होता है, तो फिर क्या करें, बैरिकेड हटा दें, क्रिमिनल्स को जाने दें, ऐसे तो कोई चेकिंग ही नहीं हो पाई, लेकिन चेकिंग हो भी नहीं, तो नहीं हो रही होती ना, ये भी एक पॉइंट है, लेकिन कई बार चेकिंग भी हो रही होती है, हम देखते हैं दर्शक, कई बार चेकिंग भी हो रही होती है, पुलिस कर रही होती है। तो ऐसे में जब हम ये टॉपिक भी हमने लिया, तो मेरी कई पुलिस ऑफिसर से बात हुई, गौरव, उनका साफ साफ ही कहना था कि आप इतना, ये कोई मुद्दा थोड़ी है, ये आप मुद्दा इतना छोटा मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आपका आपका कितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इसकी वजह से हो रहा है, दैट इज 30% रिसर्च है जो कहती है कि व्हीकुलर पोल्यूशन की वजह से होता है, और आप हम इलेक्ट्रिक व्हीकल ला नहीं पा रहे हैं, अभी सीएनजी पर आप कितने वाहन हैं ऐसे देश में, कितना उससे पोल्यूशन निकलता है। लेकिन पुलिस का कहना है कि इसका सीधा सा हमारे जीडीपी पर है, मान लीजिए मेरा अगर प्रोडक्टिविटी है जो कि मैं जाम में फंसा रह गया, मेरे 2 घंटे उसमें खराब हो गए, तो अल्टीमेटली मेरी प्रोडक्टिविटी में कमी आई। बिल्कुल है, बिल्कुल सही है। और दोस्तों एक चीज और भी है, पुलिस से अगर आप बात करो तो फिर वो कहती है इतना छोटा मुद्दा आप इसको उठा रहे हो, इसका कोई सेंस ही नहीं है, आप बड़ी बड़ी चीजें देखो ना, ये तो हमारा काम है, हम करेंगे, लोगों को थोड़ी तकलीफ तो होने दीजिए ना, अगर आपको क्रिमिनल पकड़ना है उसकी कॉस्ट पर अगर लोगों को तकलीफ हो रही है तो होने दीजिए, उसमें प्रॉब्लम क्या है। तो इस तरह के तर्क भी पुलिस देती है, हालांकि जो आदमी एक दिन झेलता है, 2 दिन झेलता है, 4 दिन तक तो उसको समझ में आती है, 5वें दिन वो कहता है ये गलत है, ये बैरिकेड नहीं होने चाहिए, क्योंकि
इसकी वजह से अब मैं रोज थोड़ी भजूंगा, रोज थोड़ी क्रिमिनल इनपुट है, रोज थोड़ी मैं पुलिस में। अगर हम पुलिस, चलिए हम पुलिस की सिर्फ प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहे, हम रिफॉर्म की बात भी करना चाहते हैं, तो रिफॉर्म क्या हो सकता है, सोल्यूशन क्या हो सकता है? इसका सोल्यूशन ये हो सकता है, जब जरूरत पड़े तब बैरिकेड लगाए जाए, एक निश्चित अवधि के लिए लगाई है। ये नहीं कि आपने बैरिकेड लगा दिए तो पता लगा उस रोड पर एक साल तक बैरिकेड लगाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सीनियर ऑफिसर्स ने कहा है, और कई बार सीनियर ऑफिसर्स का इस बीच ट्रांसफर भी हो जाता है, उनको याद भी नहीं रहता, और वो कई बार जूनियर ऑफिसर्स पूछता है सर आपने कहा था बैरिकेड लगाने को, तो मैंने तब कहा था हटा देना चाहिए था। अच्छा, ऐसे हुआ है क्यों? तो मैंने तब कहा था कि एक पर्टिकुलर मर्डर हुआ था उस रोड पर, या पर्टिकुलरली वहां स्नैचिंग हुई थी या इनपुट था, तो अब तो ठीक है वहां सिचुएशन, तो हटा दीजिए। आप ट्रैफिक क्यों जैम करते हो, इतना लंबा ट्रैफिक जैम होता है जिसका कोई सेंस नहीं है। ये है मेन बात, तो ये मेन बात है, लकीर की फकीरी वाली वाली बात है। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हमने बताना चाहे कि किस तरह से एक तरह से कहा जाए जी का जंजाल भी है बैरिकेड्स, एक तरह से कहा जाए सिक्योरिटी भी उससे उसके लिए जरूरी। तो आखिर होना क्या चाहिए? होना यही चाहिए जो हमें समझ में आ रहा है गौरव और मुझे भी, कि जहां जरूरत हो अपडेट करते रहिए सिक्योरिटी को, और जहां जरूरत हो वहां लगाए, और वो जरूरत जहां पर है उसको हमेशा टाइम टू टाइम ये लोग अपना चेक करते रहें, अपडेट करते रहें। और दोस्तों मैं चलते चलते कहना चाहूंगा, आप कमेंट देके हमें हमें ये भी बताएं कि इस तरह से आपने कब, अगर आपको डेट नहीं तो मंथ ईयर याद हो, वो लोकेशन आपको याद हो जहां आपने देखा हो कि लंबा जाम लगा हुआ है, चेकिंग नहीं है और रोज बैरिकेड लगता है, रोज जाम होता है, हर शहर में ऐसे बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स होते हैं, तो आप प्लीज हमसे वो शेयर कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि अगर वो पुलिस ने अपडेट नहीं किए हैं तो अपडेट उसे कर लें। अगर किसी बड़े अधिकारी ने बोल दिया और वो बोल के भूल गया है और वो लकीर की फकीरी वहां पर चल रही है, तो कोशिश की जाए, दुरुस्त किया जाए। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड।